YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी शेयर के बारे में, कौन से आईटी शेयर में आपको अभी बाय करना चाहिए। आईटी शेयर में एक जबरदस्त गिरावट हुई है, क्या आपको बाय करना चाहिए, अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सारे पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आईटी इंडेक्स की बात करें तो देखिए आईटी इंडेक्स जो अपना सपोर्ट रीजन जो है उसको ब्रेक कर दिया है। अगर इससे नीचे लगातार सस्टेन हो जाता है तो हो सकता है कि यहाँ से एक बड़ी गिरावट में या बड़ी करेक्शन देखने मिले आईटी इंडेक्स में। देखिए इसका जो हाई था वो 39,500 था और वहां से ये इंडेक्स जो है 33,850 पर आ चुका है। इतनी बड़ी गिरावट है, तो ऐसे ही गिरावट आपको आईटी के बहुत सारे शेयर्स में देखने मिलेगा। जैसे देखिए कोफोर्ज काफी जबरदस्त गिरावट है, तो क्या इस गिरावट में बाय करना चाहिए। देखिए अभी हम बात करें इसके ट्रेंड का, तो जब तक ये अपने हाई को ब्रेक नहीं करता है, जो इसका ऑल टाइम हाई है 6,135 रुपीज, तब तक ये बुलिश नहीं होगा। तो ये स्टॉक्स काफी ज्यादा बेरिश हो चुका है, जैसे ये ऊपर निकलता है, कम से कम 5,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तब हम इसको बाय कर सकते हैं। अभी ये काफी ज्यादा बेरिश है, तो जो स्टॉक्स इस तरह का बेरिश मोड में हो उसमें कभी भी आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए। उसके बाद अगला स्टॉक्स है माइंडट्री। देखिए माइंडट्री अपना ऑल टाइम हाई जो है 5,065 से काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। ये भी अपना ये जो सपोर्ट रीजन है, यहाँ पर देखिए एक बुल रैली देखने मिला, बुल रैली के बाद यहाँ पे स्टॉक साइडवेज हुआ, साइडवेज होने के बाद अपने सपोर्ट को स्टॉक्स ब्रेक कर चुका है। इस स्टॉक को भी अभी अवॉइड करना चाहिए जब तक कि ये बुलिश पैटर्न नहीं बनाता। अभी जो इसका पैटर्न है वो पूरी तरह से बेयरिश है, कोफोर्ज का भी और माइंडट्री का भी, क्योंकि ये सपोर्ट रीजन को ब्रेक कर चुका है। तो हो सकता है कि ये फिर से अपने सपोर्ट जो था, ये जो ब्रेक किया सपोर्ट को, इसको रिटेस्ट करे। जो ब्रेकआउट होता है तो ये नीचे का ब्रेकआउट है, तो इसको फिर से रिटेस्ट कर सकता है। रिटेस्ट करने के बाद फिर से ये डाउन मोमेंटम दिखाई, इसको हम बाइंग कब करेंगे, जब ये 5,000 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लगे तब तो हम इसमें फिर से बुलिश होंगे। तो आपको सारे जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है उसमें को मैं बताते जा रहा हूँ, डिस्कस करते जा रहा हूँ। अब देखिए जैसे हैप्पीएस्ट माइंड है, ये भी स्टॉक काफी ज्यादा बेरिश है। तो यहाँ देखिए हैप्पीएस्ट माइंड का बात करें, इसका जो सपोर्ट रीजन है वो था 1180 रुपये, 1180 को ये ब्रेक कर चुका है और फिर से ये देखिए रिटेस्ट भी ये इस लेवल को कर चुका है। तो ये यहाँ से ऊपर जाता है, इसके ऑल टाइम हाई को हम क्रॉस करने का इंतजार करेंगे, जो कि है 1580 रुपये। अगर ये 1580 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो फिर हम इसमें बुलिश होंगे। उसके बाद अगला है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी भी काफी जबरदस्त स्टॉक्स है, यहाँ पर अगर ये 7,800 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो फिर हम इसमें बुलिश होंगे। अगर वही ये स्टॉक्स अगर ये नीचे के लेवल जो है 5,400 को ब्रेक कर देता है तो बेरिश होंगे। तो टाटा एलेक्सी अभी भी काफी ज्यादा बुलिश मोड में है, ये स्टॉक काफी जबरदस्त है। ये जो अभी जो पैटर्न बना है वो भी बुलिश पैटर्न है, तो ये स्टॉक्स काफी बेहतरीन है। ये स्टॉक्स जो है अभी आपको बुलिश मोड में देखने मिला। ओवरऑल सारे के सारे स्टॉक में काफी जबरदस्त गिरावट है। इस स्टॉक में देखिए यहाँ थोड़ा सा भी गिरावट देखने नहीं मिला, इतना सॉलिड ये स्टॉक्स है। तो देखिए टेक्निकल चार्ट पे सॉलिड है, फंडामेंटल चार्ट पे तो कोफोर्ज भी स्ट्रॉन्ग है, माइंडट्री भी अच्छा है, हैप्पीएस्ट माइंड भी काफी अच्छा है, लेकिन टेक्निकल चार्ट पे टाटा एलेक्सी काफी जबरदस्त दिख रहा है यहाँ पर। देखिए उसके बाद आते हैं कैपिट टेक्नोलॉजी, ये भी काफी जबरदस्त स्टॉक है। देखिए अभी भी ये बुलिश मोड में है, देखिए अभी भी ये बुलिश मोड में है क्योंकि इसमें अभी भी गिरावट नहीं हुई, जब तक ये पिछले लो को ब्रेक नहीं कर देता है। देखिए इसका पिछला लो ये है 450 रुपए, जब तक ये 450 के नीचे नहीं जाता है तब तक हम बेरिश नहीं होंगे। तो क्या इसमें बाय करना चाहिए, देखिए बाय करने का बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि आईटी का जो इंडेक्स है, मतलब जो आईटी का सेक्टर है वही बेरिश हो चुका है। यहाँ हो सकता है ये साइडवेज ट्रेड करे या बहुत ज्यादा तेजी हमें देखने ना मिले, तो आपको इस स्टॉक को मतलब आईटी सेक्टर के शेयर को अभी अवॉइड करना चाहिए। जब तक हमारा आईटी सेक्टर परफॉर्म नहीं करने लगता है तब तक हम इस सेक्टर के स्टॉक्स को अवॉइड करेंगे, क्योंकि स्टॉक काफी ज्यादा रैली कर चुका है। ये स्टॉक्स मात्र 100 रुपीज से भी नीचे का हुआ करता था, वहां से देखिए ये 700 से 800 तक का हाई लगा चुका है, तो काफी ज्यादा मतलब महंगा हो चुका है। तो अभी आपको अवॉइड करना चाहिए इस तरह के स्टॉक्स को बाय करने में, आपको अभी ब्लू चिप शेयर जो है उसको बाय करना है। उसके बाद आते हैं अगला LTI, देखिए लार्सन ट्रूबो इन्फोटेक, ये भी
देखिए आपने जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है उसको भी ब्रेक कर दिया था, यहाँ पर जो सपोर्ट था 6300 का उसको भी ब्रेक कर दिया है, ये स्टॉक्स भी बेरिश हो चुका है। तो हो सकता है ये फिर से अपने सपोर्ट रीजन 6300 या 6400 को रिटेस्ट करे और फिर नीचे के गिरावट दिखाए। इस स्टॉक को भी अभी आप अवॉइड करेंगे, इसमें भी आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए। देखिए हो सकता है कि स्टॉक्स यहाँ से ऊपर चला जाए, क्योंकि किसी भी स्टॉक्स का कोई गारंटी ही नहीं है, लेकिन जो चार्ट पैटर्न बना है उसके अनुसार ये स्टॉक्स अभी बेरिश है, इसको बाय नहीं करना चाहिए। ऐसे भी बहुत ज्यादा मोमेंटम हमें इन सब स्टॉक्स में देखने मिला है। है लार्सन टूर्बो टेक्नोलॉजी लिमिटेड टेक्नोलॉजी सर्विस, तो यहाँ पर LTTS। तो देखिये ये स्टॉक्स भी अपना ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका है। तो देखिये यहाँ पर ये स्टॉक्स लेकिन अभी थोड़ा सा बेरिश कम हुआ है, क्योंकि ये स्टॉक्स अपने सपोर्ट के पास ही है। अगर ये स्टॉक्स यहाँ पर 4400 को लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम इसको बेरिश मानेंगे, उसके नीचे क्लोज होना चाहिए, एक दो दिन उसके नीचे क्लोज हो ट्रेड करे तब जाकर के हम इसको बेरिश मानेंगे। अभी ये स्टॉक्स बेरिश नहीं है, थोड़ा सा ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, लेकिन जब तक ये अपने सपोर्ट रीजन को ब्रेक नहीं कर देता है जो कि 4400, तब तक ये स्टॉक्स को हम बेरिश नहीं कहेंगे। हो सकता है यहाँ से स्टॉक साइडवेज हो जाए, या तो ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी जा सकता है। तो जैसे सपोर्ट रीजन को ब्रेक करेगा तो ज्यादातर चांस है कि स्टॉक्स नीचे जाएगा। तो देखिए चार्ट जो है वो लगातार बदलते रहता है, डे बाय डे चार्ट का जो पैटर्न है वो बदलते रहता है। जैसे ये स्टॉक्स यहीं से ऊपर चला जाएगा तो हम क्या मानेंगे, अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है लेकिन ऊपर चला जाता है फिर नीचे आता है तो हम इसको साइडवेज रेंज में मानेंगे। ज्यादातर संभावना है कि ये स्टॉक साइडवेज में जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक्स अभी बेरिश नहीं हुआ है। जैसे कि आपको देखने मिला माइंडट्री को फोर, ये सब साइडवेज रेंज बनाने के बाद अपने नीचे के सपोर्ट को ब्रेक किया, तो ये स्टॉक हो सकता है कि साइडवेज रेंज में जाए, क्योंकि अभी तक चार्ट पैटर्न काफी ज्यादा बुलिश था। उसके बाद आता है बिरला सॉफ्ट। देखिए बिरला सॉफ्ट ये भी काफी जबरदस्त स्टॉक है और जबरदस्त रैली देखने मिला था, लेकिन अभी भी ये स्टॉक्स बेरिश नहीं हुआ है। देखिए बुलिश जो ट्रेंड था वो तो खत्म हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर गिरावट हमें देखने मिला। जब इस तरह का गिरावट हो, एकदम शार्प गिरावट हो, तो हम मानते हैं कि यहाँ पर जो बुलिश ट्रेंड था, देखिए यहाँ पर धीरे धीरे ऊपर गया लेकिन नीचे जो है काफी तेजी से आया, यहाँ पर हम मानते हैं कि बुलिश ट्रेंड समाप्त हो चुका है। तो अब क्या बेरिश ट्रेंड आ गया? नहीं, जब तक ये 380 रुपए को ब्रेक नहीं करता अपने सपोर्ट रीजन को तब तक हम इसको बेरिश नहीं मानेंगे। तो ये यहाँ से हो सकता है कि साइडवेज रेंज में चला जाए, तो यहाँ से हो सकता है ये साइडवेज ट्रेड करे, यहाँ से ऊपर जाए, फिर से नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, इस तरह से हो सकता है, या तो फिर ये ऊपर यहाँ पर रेसिस्टेंस को ब्रेक करके जा सकता है, सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जा सकता है। तो ये मुख्य इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे आईटी सेक्टर का, जिसको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, उसमें आपको क्या करना चाहिए। तो बहुत ही कम ऐसे स्टॉक्स हैं जिसको आपको अभी गिरावट में बाय करना चाहिए, जैसे आपको टाटा एलेक्सी हो गया, कैपिट टेक्नोलॉजी हो गया। टाटा एलेक्सी काफी ज्यादा बुलिश है, कैपिट टेक्नोलॉजी भी बुलिश है, लेकिन हो सकता है कैपिट टेक्नोलॉजी साइडवेज हो जाए, लेकिन टाटा एलेक्सी जो अभी भी बुलिश है। लेकिन थोड़ा सा जो आईटी सेक्टर है वो सेक्टर ही अंडर परफॉर्म करता हुआ हमें देखने मिल रहा है, क्योंकि इसका जो इंडेक्स है वही अपने सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है। तो जब तक इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड नहीं करने लगता है तब तक हम आईटी सेक्टर में पूरी तरह से बुलिश नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसी तरह के एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।